वैश्विक शिव शिष्य परिवार के तत्वधान में दीदी नीलम आनंद की 14वीं पुण्यतिथि सांस्कृतिक भवन सभागार में मनाया गया, जिसमें जल और जंगल बचाओ पेड़ लगाओ विषय पर एक कार्यक्रम एवं निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। साहब श्री हरिद्रानंद जी के इस कालखंड में भगवान शिव के शिष्य के रूप में लोगों को जोड़ने का कार्य किया गया। जो शिव की ओर बढ़ने में, शिव की ओर चलने में, जिस तरह साहब ने कहा कि आओ चलो शिव की ओर, दीदी ने ही साहब के साथ साथ शिव से कमजोर हो जाता है, साहब अगर कमजोर हो जाए आज नीलम दीदी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या क्या कार्यक्रम आज हम लोग दीदी माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर निःशुल्क हेल्थ कैंप चला रहे हैं। आज गांव से जो हमारे साथी भाई बहन आए हैं उनको हम लोग निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवा रहे हैं। जो असहाय हैं, गरीब हैं, उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। और इनका उद्देश्य सदा ही रहा है कि जन जन को, व्यक्ति व्यक्ति को शिव से जोड़ना। और आज ऐसा उदाहरण बन के आया है कि स्वतः नारी जागरण का काम हो रहा है, नारियाँ अपने आप सशक्त हो रही है, इनका ये दिन है। क्या नाम आपका? मेरा नाम उमेश कुमार। बताया जाए आज शिव जो नीलम दीदी हैं उनका आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, काफी संख्या में लोग आए हैं, दूर दराज से आए हैं, कैसा लग रहा है ये भीषण गर्मी में लोग? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बहुत दूर दूर से लोग तब के रूप में यहाँ आए हैं और अपना मूल्यवान समय लेकर आए हैं अपनी दीदी का पुण्यतिथि मनाने के लिए। दीदी एक सशक्त महिला थी, ये कहना कोई गलत नहीं होगा, और आज हम उनको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनके जीवन का यही उद्देश्य था कि जन जन के लोग से वो अपना गुरु बनाए, और आज हम उनको सबको कह रहे हैं कि जो नहीं माने हैं उनको भी शिव को गुरु बनाए। वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही वरदान है और हमेशा रहेगी। अध्यात्म में जब जब अध्यात्म का नाम होगा तब तक नीलम दीदी को हम लोग ऐसे ही याद करते रहेंगे। और इसी तरह पुण्यतिथि के अवसर पर कहाँ कहाँ से